एक बड़ी खबर का इंतजार था और वो आ चुकी है। फोर्ड इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रही है, लेकिन पूरी खबर जरूरी है तो पूरा वीडियो देखिए। आइदर एक अफवाह आपसे भी पैदा हो सकती है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जरूरी बातों के साथ। जैसे फोर्ड ने आज मुझे ईमेल किया है, उसमें कुछ बातें क्लियर कर दी हैं कि वह इंडिया की अपनी दोनों फैक्ट्रियां, हाँ इंडिया में फोर्ड की दो फैक्ट्रियां थी और उन दोनों में को फैक्ट्रियों को वह बंद करने जा रहा है, और उनमें से वह पहले यानी दिसंबर तक अपनी सांदर फैक्ट्री बंद कर देगा, जहां पर व्हीकल असेंबली प्लांट है वह बंद कर देगा। इसके अलावा चेन्नई प्लांट जो कि पुराना प्लांट है, उसे वह अगले साल जून तक बंद कर दिया जाएगा। यहां के सभी कर्मचारियों को वीआरएस वगैरह देने के लिए बातचीत चालू करेगा ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। इससे होगा क्या कि जो कारें इंडिया में मैन्युफैक्चर होती थी, जैसे कि फिगो, एस्पायर, फ्री स्टाइल और इको स्पोर्ट, इनकी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी जाएगी। कंपनी का कहना है कि वह एक्सपोर्ट जारी रखेगा अपना यहां से, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी शुरुआती दौर की बात है, शायद वह भी आगे कुछ समय बाद बंद हो सकता है। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, हो सकता है। दूसरा, फोर्ड का कहना है कि वह इंडिया में अपने इंटरनेशनल प्रोडक्ट बेचती रहेगी, हाइब्रिड कारें, इलेक्ट्रिक कारों को बेचती रहेगी, मस्टैंग जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह वह लॉन्च करेगी इंडिया में। इससे क्या फायदा है? इससे उन लोगों के लिए फायदा है जो ज्यादा पैसे खर्च करके फोर्ड की इंटरनेशनल कारें खरीदना चाहते थे, उनके लिए इंडिया में भी उन कारों की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन वो कस्टमर्स जो फोर्ड की सस्ती कारें खरीद कर अपना फोर्ड ऑनर होने का दंभ भरते थे, उनके सपने टूटने वाले हैं। कंपनी ने यह जरूर ऑफिशियली कहा है कि अपनी ईमेल में भी क्लियरली लिखा है कि हम सभी कस्टमर्स को उनकी पूरी वारंटी प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यानी अपने सर्विस सेंटर वारंटी वाला मैटर सॉल्व करते रहेंगे, कस्टमर्स को दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन मुझे लगता है यह भी शायद अब वह थर्ड पार्टी या इधर उधर से जुगाड़ करके लोगों को सर्विस देंगे, और यह भी धीरे धीरे अगले एक साल में हो सकता है बंद होने की कगार पर पहुंच जाए। क्योंकि जब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो असली सेल वाली कारें होंगी नहीं, और बाहर से बिकने वाली कारें जैसे एंडेवर, वो भी इंडिया में नहीं बनती है, ऐसी कारें या उसके ऊपर की कारें इंडिया में आएंगी और उनके लिए बहुत बड़े नेटवर्क की जरूरत नहीं है। इस समय भारत में फोर्ड के 11,000 एम्प्लॉयज हैं। इन 11,000 एम्प्लॉयज के परिवार, उन पर डिपेंडेंसी को जोड़ते हुए ऑलमोस्ट 3,00,000 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोर्ड से जुड़े हुए थे और उनका रोजगार चल रहा था, उनके ऊपर दिक्कत आएगी। फोर्ड उनके बारे में क्या सोच रहा है जो इनडायरेक्टली जुड़े हैं, उसके बारे में फोर्ड ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। फोर्ड जो बता रहा है कि इंटरनेशनली $2 बिलियन लगाएगा 10 सालों में, क्या होगा उसका पता नहीं। मैं इन बातों पर बिलीव नहीं जाता रखता हूं। मैं हमेशा वर्तमान में जीना पसंद करता हूं। तो वर्तमान में यह हाल है कि अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। 500 एम्प्लाईज सानट फैक्ट्री में इंजन बनाते रहेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, साथ ही रेंजर पिकअप ट्रक वगैरह अपनी चीज़ें यहां पर, उनको सपोर्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन यह सब जारी रहेगा। बाकी चीज़ें हो सकता है धीरे धीरे बंद हो जाएं। नुकसान कस्टमर को क्या होगा? उनके प्रोडक्ट, खासतौर से वो प्रोडक्ट जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग रोकी जा रही है, उनकी रीसेल वैल्यू धड़ाम से नीचे आती चली जाएगी, जैसे कि इको स्पोर्ट, फिगो, एस्पायर और फ्री स्टाइल। यानी जो प्रेजेंट में कस्टमर हैं फोर्ड के, उनके लिए एक बुरी खबर है। हालांकि वारंटी वगैरह देने से बात नहीं बनती है, आखिरी में आदमी को एश्योरेंस भी देना पड़ता है कि वारंटी के बाद भी हम आपका ख्याल रखेंगे, जिनमें रीसेल वैल्यू भी है। अगर उसके लिए भी कुछ कंपनसेशन होता तो मैं ज्यादा खुश होता। अनुराग मेहरोत्रा जो कि फोर्ड के इंडिया में प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था अभी कुछ समय पहले की बात है, 2 साल पहले की, आप उसे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उनका क्या कहना है कि फोर्ड का इंडिया में इतिहास अच्छा रहा है, हम कस्टमर्स की देखभाल करते रहेंगे, एम्प्लॉयज और डीलर की भी देखभाल करते रहेंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे।
रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब तो मुझे यही लगता है कि छोटी कारों वाले शोरूम धीरे धीरे घटते चले जाएंगे और महंगी कारों वाले शोरूम चलते रहेंगे, यानी दिल्ली मुंबई बड़े शहरों वाले शोरूम चलते रहेंगे और छोटे छोटे शहरों में जो शोरूम्स थे उनके बंद होने की नौबत आ जाएगी। पता नहीं मैं कितना सही साबित होऊंगा भविष्य में, लेकिन मुझे लगता है कि फोर्ड के इंडिया में अब दिन लगभग पूरे हो रहे हैं और वह इंडिया से जाएगी नहीं लेकिन रह के भी कुछ नहीं करेगी। जैसे कि पिछले 3 साल से हम देख रहे थे कि फोर्ड अपने प्रोडक्ट इंडिया में नए दे नहीं रहा था, जो दे रहा था उसका कुछ समझ में आ नहीं रहा था। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, फोर्ड इंडिया में टेस्टिंग कर रहा था अपनी नई अपडेटेड इको स्पोर्ट की, उसका क्या करेगा? क्योंकि फोर्ड Q2 में तो अपनी सानड फैक्ट्री बंद कर रहा है, सॉरी Q4 में दिसंबर तक, और उसके बाद अपनी वो फैक्ट्री बंद कर देगा जो चेन्नई में चल रही है, तो फिर वो कार जो इंडिया में डेवलप की जा रही थी उसका क्या होगा? कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है इस ईमेल में जो फोर्ड ने हमें भेजा है। अनुमान लगाते रहिए आप भी और मैं भी। मेरे लिए यह खबर तकलीफ देह है। क्यों? क्योंकि मुझे फोर्ड की कुछ कारें रियली पसंद थी, जिनमें एक फ्री स्टाइल है और दूसरी थी इको स्पोर्ट और एंडेवर। वो अलग बात है कि मैं बहुत ज्यादा एस्पायर या फिगो को नहीं सपोर्ट दे पाता था। अभी हाल में मैंने फिगो ऑटोमेटिक का आपको रिव्यू दिया है, उसमें भी ये प्रॉब्लम के बारे में डिटेल से आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है अब आप पूरी बात समझ गए होंगे और आगे की कहानी, जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है फोर्ड की तरफ से, मैं उसे भी ईमानदारी के साथ आपसे शेयर करूंगा जैसे इसको किया है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आप इस खबर से खुश हैं, निराश हैं? बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो कैसा लगा वह भी लिखना ना भूलिएगा। यह खबर मेरे लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए भी अच्छी नहीं होगी, लेकिन मेरा काम है जानकारी देना। मैं फोर्ड को ना बंद कर सकता हूँ, ना चला सकता हूँ, ना किसी और कंपनी को चला सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ। तो मेरे इस वीडियो पे लाइक डिसलाइक करने का आपको पूरा हक है, लेकिन मैंने सिर्फ खबर दी है। डिसलाइक करना है तो फोर्ड को जाके कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली किसी अच्छी खबर के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।